अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी हमें कज़न के घर पर, आज इनकी है इफ्तार की दावत। तो इफ्तार दावत के लिए पहले जो प्याज छीलना था, लहसुन खाने के लिए, तो वहाँ हम सब आ चुके हैं। अब इनको मैं उठाने आया हूँ। फिर भाई टाइम हो गया, अब टाइम देख सकते हो 12:30 1:15 हो गए हैं भाई। 7 बजे तक टाइम बढ़ा भाई, 6 घंटे बढ़े आराम। देख सकते हो आप सो रहे हैं घोड़े बेचकर, ये बकरियां बेच के सो रहे हैं, ये गाड़ियां बेचकर। टेम्परेचर हाई था तो ये सब एसी में सो रहे हैं, साथ में पंखे ऑन करके। बिल की इनको परवाह नहीं है। कज़न के पापा बहुत पैसे वाले हैं, खुद बिल भर देंगे। तो बस अब कुछ भाई लोग आ रहे हैं, फिर प्याज आ रहा है, प्याज छीलते हैं, लहसुन छीलते हैं, और बाकी खाने का काम पूरा कर देंगे। बाकी जो फ्रूट का होगा वो लगभग 5 बजे के आसपास कर देंगे। तो फाइनली प्याज का काम पूरा हो चुका है, वहाँ पे लहसुन का काम पूरी तरह पूरा हो चुका है, अब बाकी रहा फ्रूट का, वो 5 बजे करेंगे। अब इनके बनाने वाले आ रहे हैं, वो प्याज को कटिंग कर देंगे, छीलने का काम हमारा था। तो प्याज लहसुन छील के अब आराम कर रहे हैं, अब 4 बजे उठेंगे, तब फ्रूट काटना है, और तो कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ फ्रूट का ही है, बाकी तो अब आराम करेंगे। ऐसे जालू है, बहुत ठंडा माहौल, गार्डन हो गया है। तो गाइस इफ्तारी की तैयारियां जोरों शोरों चल रही है, यहाँ पे चाशनी बन रही है, अंदर फ्रूट कटिंग हो रहे हैं, वहाँ पर खाना लगभग तैयार हो गया है, बस कुछ ही देर है खाने में। ये है हमारे कज़न, इनकी आज इफ्तार पार्टी। और यहाँ पर हो रहा है नींबू का रस निकाला जा रहा है, नींबू पानी जिसे बनाएंगे। मीठे चावल की देख और हैदराबाद बिरयानी की देख, थोड़ी और चाशनी डाल रहे हैं, थोड़ा मीठा कम हो गया था। तो ये है हैदराबाद बिरयानी जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये है हमारे शेफ जिन्होंने बिरयानी बनाई है। ये हमारे कज़न है जो अभी सीख रहे हैं काम, तभी इनके पास अभी थोड़ी सीखने के लिए आए थे कि कैसे बनाते हैं बिरयानी, मीठे चावल। ये सब पुराने सेब है, ये एक न्यू सेब है। यहाँ पर बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर रहे हैं, लगभग बॉईल हो चुके हैं, अब इनको निकाल के उस देग में डालना है, फिर बिरयानी तैयार हो जाएगी। मीठे चावल तो तैयार हो चुके हैं, बस बिरयानी बाकी है। और तो फाइनली चाशनी भी रेडी है, अभी इस चाशनी से बनाएंगे 2 शरबत, एक रूह अफ़ज़ा का बनाना है, दूसरा नींबू पानी शिकंजी का। बस कुछ ही देर है इफ्तारी में, फिर इफ्तारी करते हैं। सुनो आई रमजान की सातें, बढ़ाती है अल्लाह खाने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा, नहीं और किसी माँ की यूँ अजमतें, नहीं और किसी माँ की यूँ अजमतें। अचानक मुअत्तर फिजा हो गई। मीठे चावल पक तो गए, बस अब इसको धीमी आंच पर दम लगा रहे हैं। अलग है तरावी रोजों की शान, मजा सहरी अफ्तारी का कब कहां, जुदा शान है लैलतुल। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा कर ली है, अब जा रहा हूँ कज़न के घर पर, सामने रहा उनका घर। आज उनकी इफ्तार पार्टी है, कल भी थी और कल और हैं, परसों आए, मतलब रमज़ान के लास्ट असरा जो है 21वें रोज़ से लेकर 30वें रोज़े तक, उस दिन गांव में या आस पड़ोस हर जगह हर दिन हर
रोज एक इफ्तार पार्टी होती है। पहले से रोजे से लेकर 20वें रोजे तक तो कभी कभार इफ्तार पार्टी होती थी, मगर लास्ट असरे में हर दिन इफ्तार पार्टी होती है। तो अभी जा रहा हूँ उनके घर पर। तो फाइनली इफ्तारी के लिए प्लेटें पूरी तरह से बन चुकी हैं। प्लेटें बनाने वाले हमारे शेफ ऑलराउंड रहे, सब काम करते हैं। अब कुछ ही देर इफ्तारी है, फिर इसे ले जाएंगे मस्जिद में। आधे यहाँ पे जो आएंगे मेहमान उनको यहाँ पे इफ्तारी करा लेंगे, बाकी तो मस्जिद में ले जाएंगे। अभी आ चुके हैं मस्जिद में इफ्तार करने के लिए। जो अंदर दुरूद वो पढ़ रहे हैं उनको आज इफ्तारी कराएंगे, बाकी तो इफ्तारी मेहमान जो आएंगे वो सब इफ्तारी घर पर करेंगे। मस्जिद के अंदर जो इफ्तारी मतलब दुरूद पढ़ रहे हैं उनको इफ्तारी यहाँ पे कराएंगे। उनके लिए दस्तरखान सज चुका है, ये हम फ्रूट लेके आए थे घर से, तो उनको यहीं भी इफ्तारी कर लेंगे। ये नींबू पानी, रियल जूस और ये फ्रूट। अब कुछ ही देर में इफ्तारी होने वाली है, लगभग 15-20 मिनट ही रहे फिर इफ्तारी करते हैं और रोजेदारों को इफ्तारी करवाते हैं। सामने रही मस्जिद, ये मदरसा और ये हमारे कज़न लोग। वही शख्स खुलते बरी पाएगा खुदा को अबद जिसने राजी। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर ली थी, बाद में दावत थी तो खाना भी खा लिया था। अभी तरावी पढ़ के जा रहे हैं घर पर। अस्सलामुअलैकुम। तो आज थी रमज़ान की 24वीं सहरी, सहरी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गया था मस्जिद में फजर की नमाज़ अदा करने, नमाज़ अदा करके अभी वापस आया हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।